जय श्री कृष्ण। मित्रजनों, एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा गूंजते रहता है कि क्या इसी जगत में हम पाप और पुण्य का फल भोगते हैं। यह प्रश्न रह रहकर हमें हमेशा पीड़ित करते रहता है। तो मित्रों, आइए इसे समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं और ईश्वर के इस न्याय को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक रोज की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले थे। गुरुजी को इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था, उन्हें कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही प्रिय था। परंतु उनका शिष्य थोड़ा चपल था, उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती, उसे दूसरे की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते चलते जब वे तालाब से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य इसको देखकर वहां जा पहुंचा और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहां समझने वाला था, पहले उसने टाल मटोल करनी चाही और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ चुके थे, लौट आए और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा और शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें इस धरती पर दंड देने के लिए नहीं भेजा है। इस पर शिष्य ने कौतूहलवश पूछ लिया, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वह सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को लगभग ठीक 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटिल सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह देखा और उससे रहा नहीं गया, दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जैसे ही जाने वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो, यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा हुआ है? गुरुजी महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इस स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है कि तुमको भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे पूरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्म का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वे ईश्वर हमेशा न्याय ही करते हैं। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। जय श्री कृष्ण।